तो आ गए आप जी, आ गए मेरे चैनल में ऑनलाइन गुरु मंत्रा में जी। आप सबों के सामने आज मैं अपने चैनल में बताने जा रहा हूँ विभाजिकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, कि इसका कहाँ कहाँ यूज है। मैथ्स में आपका डिविजिबिलिटी का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो आपको ये सीखना है कि डिविजिबिलिटी का रूल हम कैसे मैथ में अप्लाई करें। तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे डिविजिबिलिटी का रूल 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबका अलग अलग मैं बताऊंगा, तो आप देखते रहिए, मेरे चैनल में बने हुए रहिए। तो आपको सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है। किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो 2 से कटेगा। समझ गए दोस्त? किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो संख्या 2 से जरूर कटता है। हम देखते हैं, कुछ संख्या लेते हैं जैसे 15। तो देखिए इसके अंत में, यहाँ पे देखते हैं इसके अंत में क्या है, 5 है, तो ये नहीं हो सकता है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। देखते हैं दूसरा संख्या लेते हैं, दूसरा संख्या क्या ले लेते हैं, 2, 4, 7। देखिए यहाँ भी 7 है, ये नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। फिर लेते हैं एक संख्या 3, 4, 8। देखिए यहाँ अंत में क्या है, 8 है, तो 8 है तो ये 2 से कटेगा। इसको हम लोग बोलेंगे ये 2 से कटेगा। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो 2 से कटेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं संख्या कितनों भी बड़े रहे उसके अंत पे यहाँ क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, बस इतना है। लॉक कर दिया जाए इनको, बस लॉक कर दीजिए, 2 से कटने का नियम में इन्हें लॉक कर दीजिए, 0, 2, 4, 6, 8, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि ये है इवन नंबर, सम संख्या, सम संख्या 2, 4, 6, 8, ये और प्लस में 0 है ना, 0 भी रहना चाहिए। तो हो गया ये 2 से, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो 2 से कटेगा, निश्चित ही कटेगा मेरे दोस्त। चलिए अब देखते हैं हम लोग 4 से कटने का नियम क्या होता है मेरे दोस्त। किसी भी संख्या के अंतिम में 2 अंक अगर 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। इसका मतलब यह है कि संख्या कितनों भी बड़ी रहे, संख्या कितनों भी लंबी रहे, हमें देखना है उसके इकाई और दहाई प्लेस पे। जैसे संख्या मान लीजिए कितनों भी बड़े रहे, उसका इकाई और दहाई स्थान, 2 अंक पीछे से देखिए आप, अगर यहाँ पे 4 रहे, 2 रहे तो देखिए 24 है, यहाँ पे कितनों भी बड़ी संख्या रहे तो देखिए हमको इतना ही चेक करना है कि 24 4 से कटता है क्या। हाँ दोस्त, हाँ मेरे डियर स्टूडेंट, 24 तो 4 से कटता है, तो इधर कुछ भी रहेगा तो ये संख्या पूरा 4 से कटेगा। अगर अंत में मान लेते हैं 53 रहे और इधर कितनों भी बड़ी संख्या रहे तो देखिए 53 4 से नहीं कटता है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि ये संख्या जो है 4 से नहीं कटेगा। तो आप समझ गए होंगे 4 से कटने का नियम क्या होता है। फिर से एक देख लीजिए, लेते हैं संख्या 4, 6, 8, 2, 3, देखिए 23 4 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। संख्या लेते हैं 5, 3, 2, 8, देखिए ये संख्या 28 जो है 4 से कटती है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कटेगी। चलिए अब हम लोग सीखते हैं 8 से कटने का नियम। 8 से कटने का नियम क्या होता है, जैसे आप सीखें 2 के लिए अंतिम 1 अंक अगर 2 से कटे, 4 के लिए अंतिम 2 अंक, उसी तरह 8 के लिए सीखना है अंतिम 3 अंक। जैसे किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटेगा। इसका मतलब हो गया कि संख्या कितनों भी बड़ी रहे उसका 3 अंक देखना है, 3 अंक देखना है। अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 5, 1,
टू, तो देखिए 8 से कटता है क्या 512, तो 8 छक 48, 3 बचा 3 और 2 32, कटता है जी हाँ कटता है, तो इसका मतलब इधर हम कुछ भी लगा दें 6 7 2 3 4 कुछ भी लगाते हैं, संख्या को कितनों भी बड़े कर जाएं कोई मतलब नहीं रखता है, संख्या पूरी तरह से 8 से वो कटेगी ही। जैसे ये हमको तीन अंक देखना, अंतिम तीन अंक, अगर ये कटता है 8 से तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। फिर एक संख्या ले लेते हैं 2 3 4 6 8 2, ठीक है। अब देखना है कि ये 6 8 2 ये कटता है क्या 8, 8 8 64 कितना बचा 4 बचा, 4 और 2 42 नहीं कटता है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये संख्या पूरी 8 से नहीं कटेगी। एक और संख्या ले लेते हैं हम, जैसे कि यहां पर रहा 808 2 4 6, तो अंतिम तीन संख्या देखना है क्या ये 8 से कटता है, जी हाँ ये 8 से कटता है, तो ये संख्या हम समझेंगे कि पूरी तरह से 8 से कटेगी। अब आप समझ गए होंगे कि 8 से कटने का नियम क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब 16 से कटने का नियम। इसी तरह जैसे हमने 2 से देखा, 8 का देखा, 4 का देखा, तो 2 में जिस तरह देखा 1 से, उसी तरह 4 में देखा 2 से अंतिम, और 8 में देखा अंतिम 3 से, उसी तरह 16 में देखना है कि अंतिम 4 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक अगर 16 से कटे तो पूरी संख्या 16 से कटता है मेरे दोस्त। तो संख्या क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, संख्या क्या देख लेते हैं कि क्या कटता है। देखिए यहां पे अंतिम 4 अंक क्या है 49 92, तो चेक करना क्या 49 92 जो है ये 16 से कटता है, तो 16 से चेक करते हैं 16 2 32, 16 3 48, 1 बचा 1 और 9 19, 16 1 16, 3 और 2 32, 16 2 32, जी हाँ ये कटता है 16 से, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या मेरा 16 से कटता है, ठीक है, क्योंकि हमने चेक कर लिया अंतिम 4 अंक, अगर अंतिम 4 अंक 16 से कटता है तो इसका मतलब पूरी संख्या कटता है मेरे दोस्त जी, आप लॉक कर लीजिए इसे। और अब देखना है एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलिए चलिए इसका अंतिम 4 अंक भी देखते हैं क्या कटता है 16 से, तो 16 2 32 32 कितना बचा 6 4, 16 4 64, देखिए जी कट रहा है, कट रहा है, तो इसका मतलब है ये कि पूरा ये संख्या जो है ये पूरा संख्या 16 से कटेगा, ठीक है। इसी तरह हम कि कोई भी संख्या ले लेंगे, कोई भी संख्या ले लेंगे तो देखेंगे कि ये कटता है क्या, देखिए अंतिम 4 अंक 16 3 48, 3 2, 16 2 32, जी हाँ ये भी कटता है। अगर ले लेंगे 3 2 4 8, इसको भी चेक कर लेते हैं मेरे दोस्त, 16 1 16 8 8 16 5 80, 8 और 2 नहीं कटता है, तो इसको क्रॉस कर देना है कि ये नहीं कटता है। तो आप देख लिए कि 2 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम और 16 से कटने का नियम कितनी ही आसान है। अब से आप आज के बाद इस तरह के प्रश्न में कभी भी आ जाए इस तरह तो कभी गलत नहीं करना है। देखिए 2 से कटने का जब देखेंगे तो अंतिम से 1 अंक चेक करना है, 4 से जब देखेंगे तो अंतिम से 2 अंक देखेंगे, 8 से जब देखेंगे तो 8 में अंतिम से 3 अंक देखेंगे, और 16 से देखेंगे तो अंतिम से 4 अंक देखेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितनी आसान है 2 4 8 और 16 का। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि 3 से कटने का नियम क्या है। 3 से कटने का नियम है कि अंकों का योग अगर 3 से कटे, अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से जरूर कटता है। तो देखना है एक संख्या लेते हैं 3 4 5 9 2 1, देखते हैं क्या ये 3 से कटता है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 3 3 और 9 12, 12 5 17 17 4 21 21 और 3 24, टोटल जोड़ मेरा 24 हो गया, 24 जो है 3 से कटता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है मेरा 3 से कटता है। फिर देखते हैं दूसरा एक 3 2 5 8 जोड़ते हैं 8 5 13 13 2 15 15 3 18,
और यहाँ ले लेते हैं 19, टोटल हो गया कितना 19, 19 नहीं कटता है 3 से, इसलिए ये पूरा संख्या मेरा नहीं कटेगा 3 से। आपने इस तरह सीखा होगा, लेकिन आपको हमारे चैनल ऑनलाइन गुरु मंत्रा में इस तरह को नहीं बताया जाएगा। कुछ अलग करने की, देखिए चलिए अब 3 से कटने का नियम देखते हैं एक अलग तरीके से। देखिए 3 से कटने का नियम क्या, कैसे करना, कितना लंबा संख्या है लेकिन हमको तुरंत चेक करना है कि 3 से कटता है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए 3 3 से कटता है, 6 कटता है, 3 कटता है, 2 और 1 3 कट गया, 5 को क्या जोड़े, 5 और 4 9 कट गया, 8 और 2 10 बच गया ना, इसका मतलब ये संख्या नहीं कटेगा 3 से। फिर चेक करना है, देखिए 3 कटता है, 6 कटता है, 4 और 2 6 कटता है, 8 और 2 10 हो गया। अगर यहाँ पे रहता मेरा फिर से 2, तो हम बोलते हैं 8 2 10 और 2 12, इसका मतलब है ये कट गया मेरा 3 से। तो इसी तरह हम लोग क्रॉस करके देखते हैं कि कैसे कटता है कि नहीं कटता है। ये नहीं कि सबको हमको जोड़ना है, जोड़ने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे दोस्त, मेरे डियर स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, आपको तरीका सीखना है स्मार्ट वे में। तो देखिए इस तरह, चलिए 9 से कटने का नियम देखते हैं। अंकों का योग अगर 9 से कटे तो संख्या जरूर कटता है 9 से। अंकों का योग अगर कटे 9 से तो संख्या जरूर कटता है 9 से। तो फिर से उसी स्मार्ट वे में जाना है हमें, कि देखना है 8 और 1 9 कट गया ना। अब देखिए 6 के साथ 3 नहीं मिल रहा है, छोड़िए जोड़िए 6 2 4 6 6 6 12 12 और 2 कितना हो गया, 12 2 14 14 4 18 18 कटता है ना। तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या मेरा 9 से कटेगा। फिर देखना है, चेक करना है, देखिए 6 है यहाँ पे, 3 है, 9 हो गया खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 4 2 6 और 2 8 8 हो गया। तो इसका मतलब है ये नहीं कटेगा 9 से। फिर देखते हैं यहाँ पे 6 यहाँ पे है, देखिए 9 तो है मिल गया, 6 2 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 4 12, तो 12 क्या कटता है 9 से, नहीं ना। तो इसका मतलब है ये भी संख्या नहीं कटेगा 9 से। इस तरह हम लोग देख सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या को कि वो 3 से कटता है कि नहीं, 9 से कटता है कि नहीं। जी हाँ मेरे दोस्त, इसी तरह आपको करना है। जी हाँ मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको स्मार्ट वे में चलना पड़ेगा, तभी आपको बड़े से बड़े कंपटीशन में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आप इसी तरह नए नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए, और अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा।